अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों का शुजरा नसल क्या है। हमारा नसल ये है कि चौधरी खानदान है। ठीक है, ठीक चौधरी। हाँ, फिर हम पहले से आगे इन संताली में कश्मीर, ठीक कश्मीर से इस इलाके में आया। हमको ज़मीन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारा ये खाने बदोशी का एक मसला जाता है, ये बकरी पेट को पालता है, शुमाली इलाके में ले जाता है, उधर चारता है, उधर बर्फ पड़ता है, ख्याल को इधर आ जाता है, सर्दी में इधर आ जाता है, इधर गर्मी होता है उधर चला जाता है। ठीक है, पर हमारे वास्ते जो गवर्नमेंट ने कोई फ़ायदा नहीं किया, नहीं किया, कोई बच्चे का स्कूल नहीं दिया, या और हमारी कोई परेशानी होती है इसका वो लोटल नहीं लेते के रहने के। ये जंगल है, जो जंगल के बीच जो हमारा जंगल मिल रहा है, लोकल गवर्नमेंट वाले कहते हैं इधर पैसा दो, बकरी कहाँ चराओ, फलानी जगह में जाओ। तो ये जो गवर्नमेंट है, आप जो बकरियाँ वगैरह माल मवेशी चलवाते हैं, ये इसका आपसे कैसे लेती है? पैसे लेती है, हमारे से पैसे लेती है, जगह जगह में जाते हैं वो पैसे लेती है कि जंगल में चारो। हमारा फिर और आसरा नहीं, ज़मीन में जाते हैं तो जमींदार नहीं छोड़ते, गंदम होता है, मक होती है, सिर्फ ये जंगल में वे कहता है नहीं जी इधर नहीं जो। अच्छा जी जी, उसके फिर आप लोगों का मस्कन क्या है, मतलब कि रहने की जो आप लोगों की जगह, जिस तरह आपने पहले भी बताया, आप मतलब किस तरह गर्मियों से आप किस जगह पे होते हैं, सर्दियों में आप किस जगह पे होते हैं, आप अगर ये मुझे पूरी डिटेल बता। ये बताते हैं हम ख्याल में होते हैं गुलपुर में, गोलपुर मुंडी नाले में होते हैं। संताली थी पीछे हम आया, उधर रिया पर जमीन नहीं है, किसी राजे की या चौधरी की या किसी की जमीन नहीं है, उधर घास का छप्पर बनाते हैं, घास का छप्पर बना करके फिर उसमें रहते हैं, जेब सब उतारते हैं, इधर चला जाते हैं, फिर केल में हम जाते हैं वादी नीलम। वादी नीलम में जाते हैं, जब ये गर्मियाँ होती हैं आप वादी नीलम में जाते हैं। तो आप ये बताएंगे आप बारह मतलब चलते रहते हैं? चलते रहते हैं बिल्कुल। तो वादी नीलम से लेकर गुलपुर तक आप जितना वो सफ़र तय करते हैं, पुल जो है वो कितना फासला है? ये हमको हमने और नहीं किया, हमारा 1.5 महीना लग जाता है, उधर से इधर आते थे, इधर से उधर आते। ये जोड़ी जोड़ी बच्चे, इनको कोई चुभते हैं, कोई घोड़े पर रखते हैं, कोई क्या कभी जो है मतलब कि आप मुझे बताएं कि जो है गुजर जी, गुजर और दूसरे इधर हो बकरवाल जी, अगर इनमें आप मुझे फ़र्क बताएं कि इनमें क्या फ़र्क है, आप मतलब कि क्योंकि जो सबसे पहला पेशा था वो यही था, हमारा यही पेशा था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे जी, सही है, और जब कोई स्कूल नहीं थे, लोगों के पास दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, यही था, और ये अंबिया का पेशा है बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले उसी बंदे को दौलतमंद माना जाता था जिसके पास माल मवेशी ज्यादा थे, ज्यादा थे। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे गुजर मुझे आप डिफरेंस थोड़ा सा बताएं। ये हम बताते हैं जो गुजर तक बकरवाल हो गए, ठीक बकरवाल कहाँ हो गया कि उन्होंने बकरी रखा तो बकरवाल आखना पड़ गया, जेड़ा दूसरा गुजर है उसने जमीन ने मंझ रखा तो उसका रखा, ठीक है ये हमारा छजरा एक ही समझो, पर बकरवाल तो गुजर में ये फ़र्क पै गया, हमने बकरी रखा उन्होंने मंझ। अच्छा, उन्होंने मतलब कि बेंसू की बात, हाँ उन्होंने वो रखी, ठीक है।